हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ ऐसी हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है कि मूली के पत्ते से बना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मूली और इसको मैंने पहले से धो लिया था, इसका पानी अच्छे से सूख गया है। तो दोस्तों, कभी भी आप मूली का साग बनाना तो एकदम सॉफ्ट वाली मूली लेना। तो इस तरह से मैंने छोटा छोटा जिस तरह से मूली लिया है ना, इसी तरह से। तो ये देखिए, मूली को हम अब क्या करेंगे, मूली का जो जड़ है ना, इस तरह से हम सभी मूली का जड़ निकाल लेंगे। तो जड़ निकालने के बाद ना, फिर इसे हम कट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम सभी जड़ों को निकाल देंगे। तो यहाँ पे मूली का सभी जड़ मैंने निकाल लिया है कट करके। अब इसे रखेंगे साइड में और पत्तों को कट कर लेंगे। तो जो आगे का इसका हार्ड वाला पार्ट होता है दोस्तों, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे भी हमें सब्जी में यूज करना है। तो ये देखिए, इसी तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये सब्जी ना शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। वैसे तो सब लोग मूली की सब्जी खाते ही हैं दोस्तों, क्योंकि हम भी खाते हैं, हमें तो ठंडी में मूली की सब्जी, पालक की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, इसी तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में पहले कट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये मूली का साग एक बार खा लोगे ना, तो कभी आप मूली का पत्ता ना फेंकोगे नहीं, इतना टेस्टी बनता है ये, अगर मेरी तरह से बनाओगे तो। यहाँ पे मूली के पत्ते को मैंने कट कर लिया है, अब इसे एक थाली में उठा लेंगे। तो दोस्तों, अब ये जो मैंने छोटी छोटी मूली ली है ना, इसको भी हम कट करेंगे पतले पतले और छोटे छोटे पीसेस में। तो ये देखिए, इसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मूली का जो जड़ है ना, उसको भी कट कर लिया है। अब इसे डालेंगे कुकर में। कुकर में डाल के हम 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे और साथ ही में पत्ता भी डाल देंगे, क्योंकि मूली का पत्ता थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो उससे क्या होता है ना दोस्तों, उबालने से सॉफ्ट हो जाता है और साग भी बहुत अच्छा सॉफ्ट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने पत्ते को भी डाल दिया है कुकर में। अब इसमें डालेंगे 1 ग्लास भर के पानी। पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन हम बंद करेंगे और इसे 5 से 6 सीटी आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 सीटी हो गया है और मूली भी सॉफ्ट हो गई है। अब मूली का जो साग है ना, इसे हम एक छन्नी में डालेंगे और इसका पानी अच्छे से निचोड़ देंगे, ताकि इसमें जो पानी है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने दबा दबा के इसका पानी सब निकाल दिया है, ताकि इसमें ज़रा भी पानी ना रहे। तो मूली का पानी मैंने निकाल दिया है। अब गैस पे मैंने रखा है कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तो दोस्तों, इसके लिए कभी भी तड़का लगाना तो सरसों के तेल में ही लगाना, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कटा हुआ लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च डाल के ना, लहसुन को थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लेंगे। जैसे ही लहसुन भून जाएगा ना, इसमें हम डाल देंगे एक बरी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास बरी नहीं है तो बस लहसुन और मिर्ची में तड़का दें, इससे भी ना साग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास था तो मैंने डाल दिया। तो ये देखिए, यहाँ पे लहसुन भी अच्छे तरह से भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे बरी। तो हमारे यहाँ तो दोस्तों इसे कोड़ोरी बोलते हैं, कहीं कहीं बरी भी बोलते हैं। अब हम ना बरी को भी अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये सब अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें डाल देंगे मूली, जो मैंने बॉईल करके रखा था। मूली डालने के बाद ना, इसे अच्छी से मिक्स करेंगे।
अब इसमें डाल देंगे ना स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से वापस मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक को अच्छी तरह से साग में मिक्स कर दिया है। अब इसे वापस ढककर लो मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी बचा हो ना वो भी सूख जाए। तो फाइनली दोस्तों मूली का साग बनकर रेडी हो गया है और आप लोग देख सकते हो ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।